हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जस्ट हमने प्रीवियस दो वीडियो हैं उसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली कंपटीशन दोनों ही मार्केट थे वो दोनों हमने कवर किए थे, ठीक है ना। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है वो हमने पढ़ा था एंड मोनोपोली। तो आज हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक एंड देन इसके बाद एक लास्ट वीडियो रह जाएगी वो हमारी रहेगी ओलिगोपोली के ऊपर, क्योंकि हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट जब पढ़े थे तो हमने चार टाइप्स में कैटेगरी वाइज किया था। पहला था हमारा परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोली, तीसरा मोनोपोलिस्टिक एंड फोर्थ वन है हमारा ओलिगोपोली। तो आइए समझते हैं हम पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को। आपको यदि आपने प्रीवियस दो वीडियोज नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक है वो मिल जाएगा। पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जो ऐसी वीडियो पसंद करते हैं जिन्हें वीडियो नहीं मिल पा रही है टू द पॉइंट, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इट इज अ मार्केट सिचुएशन दैट हैज एलिमेंट ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन के और मोनोपोली के दोनों को ही कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने तो बोल दिया ये कि दोनों के वो पाए जाते हैं, अब बट कौन कौन से होते हैं ये आपको इसलिए प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। मार्केट ऑफ प्रोडक्ट लाइक, अब इसमें मार्केट कौन कौन से होते हैं, जैसे सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, एसी, टी, साइकिल, ईटीसी आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए हम इसके जब फीचर्स पढ़ते हैं तब हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे इसका पहला फीचर है हमारा लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। इसमें फर्म्स होती हैं वो लार्ज नंबर की होती हैं और लार्ज नंबर ही बायर होते हैं हमारे, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। और परफेक्ट कंपटीशन क्या कहता था, परफेक्ट कंपटीशन भी यही कहता था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ठीक है। आगे फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इसमें कोई भी फर्म आ भी सकता है, कोई भी फर्म जा भी सकता है। सम कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस में थोड़ा सा कंट्रोल होता है, ठीक है। हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड अदर सेलिंग कॉस्ट, इसमें सेलिंग कॉस्ट पाया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेलिंग कॉस्ट है वो किस में पाया जाता है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। तो आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में टिक करना है। आगे प्रोडक्ट वेरिएशन, यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट देखो ऊपर भी रखा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट वेरिएशन, दोनों में बता रखा है कि जो प्रोडक्ट है वो वेरिएशन करता है, मतलब अलग अलग पाया जाता है इस मार्केट में, मतलब प्रोडक्ट इसमें होमोजीनियस नहीं होता है, ठीक है। तो आइए जो हमारे फीचर्स हैं इनको एलोब्रेट करके बहुत अच्छे से समझते हैं फीचर्स के बारे में। तो देखिए, पहला है हमारा अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। जो लार्ज नंबर ऑफ सेलर है और बायर होते हैं इसमें, ईच फर्म एक्ट इंडिपेंडेंटली, बता रखा है कि जो हर एक फर्म है वो स्वतंत्र रूप से आजाद है। ईच फर्म हैज लिमिटेड मार्केट ऑफ द लिमिटेड शेयर ऑफ द मार्केट, हर एक जो फर्म है उनके पास जो मार्केट का जो शेयर है वो लिमिटेड अमाउंट में है। एंड द साइज ऑफ द फर्म इज स्मॉल, और जो उसमें फर्म की जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, मतलब छोटी होती है। हाउएवर दिस नंबर इज लेस देन द नंबर ऑफ सेलर परफेक्ट कंपटीशन, इसलिए बोल रखा है कि जो इसमें सेलर की संख्या होती है वो परफेक्ट कंपटीशन से कम होती है, ज़्यादा नहीं होती बट परफेक्ट कंपटीशन से कम होती है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या पड़ता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर से लार्ज नंबर ऑफ फर्म लीड टू कंपटीशन इन द मार्केट। अब हमने जैसे परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होंगी, ज़्यादा लोग होंगे तो कंपटीशन में ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में। जैसे पहले एक मान लेते हैं, पहले पाँच दुकानें थीं तो पांच दुकानों के बीच में कंपटीशन चल रहा था, अब वहीं डबल हो जाए, 10 हो जाए तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। दिस प्रिवेंट द फर्म फॉर हैविंग फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस, अब इसी की वजह से इसमें फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस नहीं होता है, इसलिए बोला कि सम, क्योंकि देख ज़्यादा सेलर नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर लेके जरूर रखा, बट इसमें बोल रखा परफेक्ट कंपटीशन से कम होता है, परफेक्ट कंपटीशन में तो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट मोनोपोलिस्टिक में जो सेलर है वो कुछ होती हैं, ज़्यादा नहीं होते लेकिन कुछ होते हैं, लेकिन होते हैं, ठीक है। तो डेट इज़ वाई जो कंट्रोल है प्राइस का वो उसके ऊपर नहीं होता, क्योंकि फर्म्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो हर एक पे कंट्रोल होता है क्योंकि हर एक के डिसीजन पर ये काम किया जाता है। हाउएवर फर्म आर इन द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ इट्स ओन डिपेंडिंग ऑन द प्राइस इन पॉपुलरिटी ऑफ देयर ब्रांड, बस यही वजह है कि इसके वजह से जो प्राइस हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, दूसरे के उस पर मतलब तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं और पॉपुलरिटी करते हैं अपने ब्रांड की, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ वो है हमारे सेलर हैं।
आगे लिमिटेड नहीं कह सकते बट लार्ज है, लेकिन कुछ है ठीक है ना, फ्री एंट्री एंड एग्जिट समझते हैं। तो फ्रीडम ऑफ एंटर एंड एग्जिट बट द फर्म्स डजंट एब्सोल्यूट फ्रीडम टू द एंट्री इनटू द इंडस्ट्री ऑफ सम फर्म्स आर लीगली पेटेंटेड एंड कैरी अ ब्रांड नेम। देखिए कह सकते हैं कि जो फ्रीडम तो है स्वतंत्र है वो आने के लिए और जाने के लिए, बट डोंट हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम बोल रखा है ना। लेकिन यदि एब्सोल्यूट तरीके से देखे जाए, सही मायने में देखे जाए, तो कोई इसमें फ्री एंट्री नहीं होती है। कैसे? क्योंकि इसमें भी लीगली पेटेंटेड और ब्रांड नेम जिनके जो फर्म्स हैं वही फर्म्स ही एग्जिस्ट यहाँ पे करते हैं, जिनकी अपनी ब्रांड है उनका, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्या पड़ता है? देयर आर मेनी सेलर बट ईच प्रोड्यूस अ सोलो प्रोड्यूसर। यहाँ पे बहुत सारे सेलर हैं बट हर एक जो प्रोड्यूसर है वो सोलो प्रोड्यूसर है, मतलब अकेला है ऑफ इट्स ब्रांड एंड प्रोडक्ट, क्योंकि उनका अपना ब्रांड है, अपना ब्रांड के नाम पर जीते हैं, ठीक है ना। सेलर बहुत हैं उस प्रोडक्ट के बेचने के, जैसे कार है मान लेते हैं तो कार को बेचने वाले बहुत हैं, बट जैसे फोर्ड का हो गया, फॉर्चूनर का हो गया, और कह सकते हैं स्विफ्ट का हो गया, ये अपना ब्रांड है उनका, ठीक है ना। दस द इंजॉय मोनोपोली पोजिशन एज अ फार एज अ प्रोडक्ट ब्रांड टू कंसर्न। हाउएवर द वेरियस प्रोडक्ट आर ब्रांड सॉरी द वेरियस ब्रांड आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसलिए बता रखा है कि जो इसमें जो ब्रांड होते हैं वो बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, और मोनोपोली में क्या था, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट था, उसमें जो क्लोज सब्स्टिट्यूट है वो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स मोनोपोलिस्टिक पोजिशन इन्फ्लुएंस ड्यू टू स्विफ्ट कंपटीशन फ्रॉम द अदर फर्म। बस यही जो पोजिशन है, यही जो कारण है, वो कंपटीशन करता है अदर फर्मों से। ऑल द फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। यही कारण है कि जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जाता है इसमें मोनोपोलिस्टिक में लॉन्ग रन में, क्योंकि शॉर्ट रन तो मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट रन में हर एक सिचुएशन हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि छोटे समय के लिए आ सकता है, ठीक है। इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है तो लॉस हो गया, बूम आ गया तो प्रॉफिट हो गया, और थोड़े बहुत चली तो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। बट ये लॉन्ग रन में बता रखा है, फर्म्स ज़्यादा होती हैं, बायर भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, प्राइस का कंट्रोल नहीं होता है, इसे लंबे समय में देखा जाए इसमें भी नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने बता रखा है कि आपके नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, इससे आपको क्वेश्चन जरूर आएगा किसी न किसी से लेकर के। आगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट बोल सकते मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मार्केट। जस्ट हमने मोनोपोली में पढ़ा था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देखिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है आपके मोनोपोली में, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आता है आपके किसमें, मोनोपोलिस्टिक में। तो समझते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आर रेफर टू डिफरेंटिंग द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड साइज कलर शेप एंड एटीजी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट हैं वो क्या है, अलग अलग पाए जाते हैं, ब्रांड ले लो, साइज ले लो, शेप ले लो, कलर ले लो, सब अलग अलग पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैसे, रियल डिफरेंस। रियल डिफरेंस किया गया है, देखिए ज़्यादा है नहीं है बट मैंने आपको एलोबरेट कर दिया, बट आप इतना लिख सकते हैं सफिशिएंट, बट आप समझ लीजिए ठीक है ना। रियल डिफरेंसेस क्या है इसमें, इट मे बी ड्यू टू डिफरेंस इन देयर शेप, फ्लेवर, कलर, पैकेजिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, वारंटी पीरियड, डिजाइनिंग वर्क, वर्कमैनशिप, कलर, पैकेजिंग, ईटीसी। देखिए रियल डिफरेंसेस बता रखा है कि शेप को ले लो किसी प्रोडक्ट के, फ्लेवर को ले लो, कलर, पैकेजिंग, ये सब को डिफरेंस, वर्कमैनशिप, कलर हो गया, पैकेजिंग, वर्किंग पीरियड, वारंटी, इन सब को मिला करके। देखिए सब अलग अलग होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के, ठीक है ना। जैसे अब मोबाइल लेकर के आएंगे तो मोबाइल का जो मोबाइल होता है जिस पे आप स्क्रीन पे आप वर्क कर रहे हैं, जिसको आप चलाते हैं, उसकी जो वारंटी होती है वो 1 ईयर की होती है, बट वहीं उसके जो चार्जर होते हैं, लीड होते हैं, जो भी एक्सेट्रा जो भी चीज़ होती है, उनकी 6 मंथ की वारंटी मिलती है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग है। आगे और भी हैं, देखिए लकड़ी फर्नीचर का जो वारंटी पीरियड होगा वो अलग होगा, फ्रिज का अलग होगा, कूलर का अलग होगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इमेजनरी डिफरेंसेस, इमेजनरी क्या, जो मान रखा है इमेजनरी है, इट मीन्स डिफरेंस डेट आर नॉट रियली, ये रियली नहीं है ऑब्वियसली, बट बायर आर मेड टू बिलीव, बट बायर है वो उस पर बिलीव करते हैं डेट सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट थ्रू द सेलिंग कॉस्ट। ये इसमें सेलिंग कॉस्ट में पाया जाता है, जैसे एडवर्टीजमेंट और डिस्प्ले, अट्रैक्टिव शोरूम्स, क्रेडिट फैसिलिटी एंड होम डिलीवरी सिस्टम, ये इस प्रकार से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे वो कोई कंपनी होती है बोलते हैं ना फ्री होम डिलीवरी हमारे पास, शोरूम में कुछ ना कुछ डिस्प्ले कर दिया जाता है आपको, तो मतलब आपको अट्रैक्ट किया जाता है प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है ना। एग्जाम्पल, वी हैव
प्रोडक्ट डिफरेंस इन सोप टूथपेस्ट एंड कॉस्मेटिक। देखिए हमारे पास जो साबुन होता है ऐसा तो है नहीं है कि एक ही साबुन आता है, बहुत सारे आते हैं, लाइफबॉय हो गया और आपका डव हो गया, बहुत सारे हैं, ग्लोरी हो गया, लक्स हो गया, ठीक है ना, तो बहुत है, टूथपेस्ट भी बहुत है, कोई पेप्सोडेंट है, कोई क्लोजअप है, कोई दंत कांति है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है समझते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, हाई डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो हाई डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है इंक्रीजेज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये तो बढ़ता ही है एंड अनेबल द फर्म टू चार्ज अ प्राइस डेट इट्स कंपटीशन प्रोडक्ट, और यही उनको इनेबल करता है ताकि वो प्राइस हाई चार्ज कर सके, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट मोनोपोली, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक मोनोपोली पोजीशन क्रिएट करके देता है फर्म्स को, सब मोनोपोली पावर इन इन्फ्लुएंस द प्राइस, कुछ मोनोपोली है उसके पावर होता है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, दिस गिव मोनोपोलिस्टिक पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस, बस यही कारण है कि मोनोपोलिस्टिक को फुल कंट्रोल ना दे करके पार्शियल कंट्रोल इनके पास होता है, क्योंकि इनका भी अपना यूनिक प्रोडक्ट होता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट पाया जाता है, देखिए जैसे आपके पास डव का साबुन है, डव का साबुन मान लेते हैं 20 रुपये का आता है, 20 रुपये का आता है, आपके पास कोई आया क्योंकि आपने उसके खुद के प्राइस डिसीजन कर रखा है कि 20 रुपये का है, वैसे तो मान लो 10 रुपये की या 15 रुपये की आती है, बट आपने 20 रुपये कर रखा है, आपके पास कोई व्यक्ति आया, देखिए डव के साबुन पर आपका मोनोपोली है मान लिया, अब आपके दुकान से ना खरीद करके क्या करेगा, डव साबुन ना लेकर के कोई और दूसरा साबुन ले लेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वर्क तो उसका वही है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल नेसेसिटी चीज़ है, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, डेट इज़ वाई जो प्राइस है थोड़ा सा कंट्रोल होता है, ठीक है, आप 20 रुपये ना करके उसको 17-18 कर दीजिए तो थोड़ा बहुत होता है, ठीक ना। इफ पर्टिकुलर इज प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर ही विल रेडी टू पाय हायर प्राइस, और यदि वो उसी चीज़ को खरीदना चाहता है कि नहीं बस डव 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 ही लगाना है, खुजली हो रही है तो डव इज नो रिएक्टेड, ऐसे बहुत सारे बताए जाते हैं, तो वो फिर हाई प्राइस जितना भी दे रखा होगा उस पर ही वो परचेज कर लेगा। होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो अच्छे जब जो फीचर था वो मैंने बता रखा है, सेलिंग कॉस्ट क्या है, सेलिंग कॉस्ट आर द एक्सपेंसेस डेट इज इनकर्ड टू द प्रमोटिंग ऑफ सेल्स फॉर इंड्यूसिंग कस्टमर्स टू बाय अ गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट का मतलब हो जाता है यहाँ पे इनकर्ड, मतलब जो भी कॉस्ट आता है प्रोडक्ट को बनाने में उसमें इसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, प्रमोटिंग सेल्स है वो और जुड़ जाता है, इसमें प्रोडक्ट के प्रमोशन करवाना पड़ता है। दीज इंक्लूडेड द कॉस्ट एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट मैंने बताया जैसे लाइक न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो में, फ्री सैम्पलिंग करना, शो विंडो, सैलरी सेल्समैन, तो मतलब कुछ इस प्रकार के जो एक्टिविटीज़ हैं जो सेल्स प्रमोशन में मदद करती हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है। दीज कॉस्ट आर कॉल्ड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, इसी को जो खर्चा किया जाता है विज्ञापन पे, तो विज्ञापन लागत बोल सकते हैं उसको, विज्ञापन लागत मीन्स एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बोला जाता है। इम्प्लीमेंटेशन क्या पड़ता है इसका, सेलिंग कॉस्ट क्रिएट आर्टिफिशियल सुपेरिटी, जो सेलिंग कॉस्ट है वो आर्टिफिशियल सुपेरिटी इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, ये आर्टिफिशियल सुपेरिटी को माइंड को कैप्चर करता है कंज्यूमर्स के, ठीक है ना, क्योंकि बता रखा है कि जो एडवर्टीजमेंट होता है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है माइंड में, ठीक है, जैसे क्यों सेलिब्रिटीज के द्वारा ही हमको एडवर्टीजमेंट दिखवाया जाता है, क्योंकि हमको एडवर्टीजमेंट कुछ सेलिब्रिटीज करते हैं तो हमको उन पर ट्रस्ट होता है कि यार सलमान खान ब्रांड कर रहा है तो मतलब कुछ तो बात होगी प्रोडक्ट, मानी शाहरुख खान मोबाइल का, रियलमी का ये एडवर्टीजमेंट कर रहा है भाई, आप तो प्रोडक्ट में कुछ तो दम है, ठीक है, तो ऐसे हमको क्या है माइंड में एक आर्टिफिशियल सुपेरिटी बन जाती है कि हाँ मतलब ये लोग ब्रांड कर रहे हैं तो फिर ब्रांड होगा, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट द फर्म्स डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, बस यही वजह है, इसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो क्या है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। However, it tend to increase in the cost of production, और इनकी वजह से भी जो cost price है वो बढ़ जाता है, जैसे अब डब है, डब इतना ज़्यादा advertisement करता है, इतना बड़ा brand है, ठीक है, लोगों के इतने ज़्यादा banners लगे पड़े हैं, radio यहाँ वहाँ, तो थोड़ा उसका शो भी थोड़ा महंगा है, but product भी अच्छा है, ठीक है। Lack of perfect knowledge मतलब हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में हमको फुल नॉलेज होती है मार्केट के बारे में, यहाँ पे अब्सेंस पाया जाता है उसका, हमको परफेक्ट नॉलेज नहीं है। कैसे, ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये होने की वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द प्राइस, क्योंकि देखिए लार्ज नंबर ऑफ बायर है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, हमें थोड़ी पता है कि इस मार्केट में कितने रुपये का, तो दूसरी जगह पर कितने रुपये का होगा, अलग अलग जगह पर प्राइस है वो अलग अलग है, वो प्रोडक्ट भी
अलग अलग है, ठीक है। तो कंपेयर करना मुश्किल होता है, द बायर नॉट फुली अवेयर प्रिवलिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ने बताया कि इसलिए बायर है वो अवेयर नहीं होता अच्छे तरीके से कि वो बता सके उन लोगों को कि प्राइस है वो अलग अलग है, मतलब खुद को पता ही नहीं होता है, ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन, इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन पाया जाता है, मतलब कि मोनोपोलिस्टिक फर्म्स जनरली डोंट डिस्टर्ब द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्टिक होते हैं वो सामान्य तौर पर जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करते, एंड दे अट्रैक्ट कस्टमर, बट ये कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं कैसे, बाय गिविंग हिम फ्री गिफ्ट, इसके साथ फ्री गिफ्ट दे दिया। देखिए जैसे कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है, जैसे कोई नया साबुन आया बोल सकते हैं, कोई शैम्पू आया, कोई साबुन आया मार्केट में, तो क्या होता है अब उसको दे, उसके प्रोडक्ट के बारे में तो अवेयर तो है नहीं है, बट दुकान वाले को कुछ प्रमोशन के तौर पे कुछ दे करके उनको भी कहा जाता है कि इस प्रोडक्ट पे आप जरूर कीजिए। तो जब कोई आम व्यक्ति खरीदने के लिए आता है कहता है ये दे दूँ, तो शॉप वाले कभी कभी कहते हैं ना आप ये ना लेकर के ये दे दीजिए, उसमें तो आपको गिफ्ट भी मिल जाएगा, तो वो क्या करते हैं चलो यही दे दीजिए, तो वो ले लेते हैं। कुछ सर्विसेज हो गए कूपन्स, कभी कभी देखिए कुछ चाय पत्ती होती है उसमें कुछ कूपन्स निकल जाते हैं, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, वॉट एवर, एंड अदर इज अट्रैक्ट स्कीम। तो ये क्या करता है, ये स्कीम को क्या करते हैं लोग अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए बोल रखा है नॉन प्राइस कंपटीशन। इसे प्रोडक्ट के प्राइस को ज़्यादा ना छेड़ करके अट्रैक्ट किया जाता है कस्टमर्स को, ठीक है। दस नॉन प्राइस कंपटीशन रेफर्स टू अ कंपटीशन विद अदर फर्म्स बाय ऑफरिंग फ्री गिफ्ट। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब ऐसा कंपटीशन जिसमें फर्म्स हैं वो दूसरे को क्या करती हैं, ऑफर करती हैं फ्री गिफ्ट, मेकिंग फेवरेबल क्रेडिट टर्म, ताकि वो अपने आप को फेवर दे सके अपने प्रोडक्ट को, विदाउट चेंजिंग द प्राइस ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट, ताकि इससे अपने प्रोडक्ट को प्राइस को चेंज नहीं किया जाता है, बस कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वेरियस टाइप्स के जो स्कीम्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विद द परचेज ऑफ सर्फ, जब हम सर्फ परचेज करते हैं कस्टमर गेट अ बकेट फ्री ऑफ स्केच कार्ड टू विन एग्जॉटिक हॉलीडेज विद एवरी परचेज सैमसंग प्रोडक्ट और जीरो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल रखा है, विद परचेज ऑफ सर्फ, जब हम सर्फ खरीदते हैं तो बकेट फ्री दे दिया जाता है हमको बाल्टी, अब पता है ना कि जब सर्फ किस लिए ले रहे हैं, कपड़े धोने के लिए, और कपड़े धोने के लिए हमको क्या बकेट भी चाहिए, तो बकेट फ्री मिल जाता है, तो लोग कस्टमर तो फूल गए, अरे वाह भाई सर्फ के साथ सर्फ तो मिल ही रहा है, बाल्टी भी मिल रही है, स्केच कार्ड मिल गया, कुछ स्केच करने के लिए जिसमें आपको हॉलीडेज मिल गई। सैमसंग का यदि आप कुछ परचेज करेंगे तो जीरो फाइनेंस, आपको फाइनेंस करना है जीरो फाइनेंस रेट पर, जीरो ब्याज लगेगा, जीरो इंटरेस्ट रेट पर, कुछ इस प्रकार से फैसिलिटी दे दी जाती है आपको, ठीक है। फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कम्पेयर इनटू नंबर ऑफ वेज टू अट्रैक्ट, बहुत सारे ऐसे वेज होती है, तरीके होते हैं जिससे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। दे यूज बोथ प्राइस कंपटीशन, ठीक है ना, यहाँ पे प्राइस कंपटीशन दोनों पाया जाता है, कंपटीशन बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द अदर प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं उसको रिड्यूस किया जाता है, नॉन प्राइस कंपटीशन लाया जाता है ताकि प्रमोट कर सके अपने सेल को। तो नॉन प्राइस कंपटीशन आपको समझ में आ गया होगा। आगे जब हम सेवेंथ पढ़ते हैं तो सेवेंथ में है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इसका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, क्यों, इट मीन्स अ सेल ऑफ मोर, अब अ फर्म हैड टू रिड्यूस द प्राइस, जब किसी प्रोडक्ट को जब ज़्यादा लोग बेच रहे हैं तो प्राइस आप उस प्रोडक्ट के प्राइस को हाई नहीं कर सकते, लो ही करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, बट ड्यू टू एबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट इस क्यों जो लेकिन जो अवेबिलिटी होती है क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट, इट मोर इलास्टिक और फ्लैटर, ये इलास्टिक बनता है और मोर फ्लैटर बनता है, ना कि स्टीपर बनता है, ठीक है ना, एक स्टीपर और फ्लैटर ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे ये आपका ग्राफ है तो ठीक है, ये तो हो गया आपका स्टीपर, मतलब कि जो एक्सेस होता है वाई एक्सेस उसके जब पास में होता है तो ये वो क्या है आपका स्टीफर है, और ये लेस इलास्टिक होता है, बट ये है आपका वो होता है फ्लैटर, देखिए फ्लैट है थोड़ा, ठीक है ना, फ्लैट का मतलब इसके जो ये एक्सेस होता है इसके तो थोड़ा फ्लैट होता है, तो ये फ्लैट है और ये मोर इलास्टिक है, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा मोर इलास्टिक और फ्लैटर पाया जाता है डिमांड कर्व ऑफ अ मोनोपोली फर्म, ठीक है ना। आगे लेस मोबाइलिटी, इसमें लेस मोबाइलिटी का मतलब होता है देर इज नो परफेक्ट मोबाइलिटी, इसमें पूरी तरीके से मोबाइलिटी नहीं होता, मतलब कि अपना मन की मर्जी नहीं चलती कि जब आए और जब चले गए, इसलिए बोला गया मोबाइलिटी, ये एक जगह से दूसरी जगह से शिफ्ट होना पसंद नहीं करते, बोल सकते हैं फिर नहीं जाते हैं। फैक्टर ओनर्स ऑफ अ पॉप आर नॉट फुली अवेयर टू द प्राइस, ठीक है ना, तो इसमें बता रखा है कि जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर ओनर्स हैं काम करने वाले, वो प्राइस को लेकर के बहुत अवेयर नहीं होते हैं, बीइंग पेड बाय डिफरेंट फर्म, जो कि अलग अलग फर्म के द्वारा पेड किया जाता है
टू फैक्टर ओनरशिप ऑफ देयर सर्विसेज, ठीक है ना। तो आपको बता रखा है इसमें लेस मोबाइलिटी पाया जाता है। तो बस 8 हमारे इसमें फीचर्स थे, होप्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता निकलता है आपका, कोई भी एमसीक्यू क्रिएटेड होता है आपका, और ये सब खत्म होने के बाद हम आपको आपसे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कशन करेंगे जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका ये सब लाइक और शेयर हमको एक सपोर्टेड एक मोटिवेट प्रोवाइड करता है ताकि हम और आने वाली वीडियोज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू।